आज बस्तर दशहरे में भीतर रैनी का रस्म है। क्या होता है भीतर रैनी, आइए जानते हैं। आज रथ चोरी करने की परंपरा है। यह रथ 8 चक्कों का होता है। इसे खींचने का अधिकार केवल किलेपाल और कोडेनार परगना के निवासियों का होता है। आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। यह विजयदशमी या विजयदशमी के एक दिन बाद होता है, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बस्तर दशहरा में आज एक मुख्य रस्म होने वाला है। आज रथ चोरी करने की परंपरा है। रथ पूर्ण होने के अपने अंतिम पड़ाव में है। फिर रथ के पूजा होने के बाद रथ को खींचा जाएगा। Thank you.
देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी लेकर आया जा रहा है, इसे रथ के ऊपर लगाया जाएगा। माई जी के छत्र को ऊपर लेके जाकर पूजा किया जाता है। इसमें देख सकते हैं रथ को खींचने से लेकर हर एक चीज़ में कितना टीम वर्क लगता है। इसमें पूरे बस्तर संभाग के आदिवासी भाई हैं, वो इसमें मिलजुल कर काम करते हैं और हर एक पूजा विधान को विधिवत करते हैं। और देखिए इतना तेज़ी से और कितना टीम वर्क के साथ पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भांगादेव जो यहाँ पर रथ के आसपास में है और अभी सीढ़ी लगाया जा रहा है और यहाँ पर आपको पूरा टीम वर्क देखने को मिलेगा। Let's go!
सैकड़ों टन इस रथ को खींचने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं और इस रथ को खींचते हैं। यह रथ जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर दंतेश्वरी मंदिर में पूर्ण होती है। पूरे गोल बाजार का एक चक्कर लगाया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया पूरा।